गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं लकी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो गाइस आज जो है ना वो बिहार पुलिस का रिटर्न एग्जामिनेशन था। आज 1 अक्टूबर है, पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म और दूसरा शिफ्ट वाला जो मतलब कैंडिडेट है उन्होंने एंट्री कर लिया है। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी कि बिहार पुलिस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो वीडियो को देखना है पूरा। और आज आपकी इस वीडियो में ना मैं बहुत सारी बातों की जानकारी दूंगी और जो लोग अदर स्टेट से आए हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा था ये भी बताऊंगी। और मतलब कैंडिडेट के द्वारा जो मैंने पूछा उन्होंने जो बताया वो सारी एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को देखना है पूरा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर करते रहना, आप तक न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस अब बिना समय गवाए बात करेंगे रिटर्न एग्जामिनेशन का कि किस तरह से एग्ज़ाम हुआ था। तो गाइस इस बार बहुत मतलब बोलते हैं ना मतलब 17 लाख प्लस कैंडिडेट थे और जिसमें से कि लाखों कैंडिडेट का एग्ज़ाम आज है और मतलब जो फर्स्ट सिटिंग में था और दूसरा सेकेंड सिटिंग में वो एंट्री कर चुके हैं। तो गाइस मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से बात भी किया है तो उन्होंने बस इतना बोला कि भाई जीके जीएस से 70% क्वेश्चन आए थे। और मैं शुरू से अभी तक यही बता रही हूँ कि जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करना क्योंकि 70% क्वेश्चन जो जीके जीएस से आते हैं। तो कैंडिडेट के द्वारा बताया गया कि जीके जीएस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं तो जीके जीएस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करनी है। और जिनका मतलब आगामी एग्ज़ाम है 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को तो भाई आप अभी से सतर्क रहो और जीके जीएस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करो। यूट्यूब पे जितने सारे वीडियो हैं ना जीके जीएस से रिलेटेड सारे वीडियो को टच करो भाई, 2 से 3 बार टच करो, वीडियो को देखो क्योंकि जीके जीएस बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए खासकर और ख़ासकर बिहार पुलिस के तो बहुत ज़्यादा। तो 70% क्वेश्चन आपको जीके जीएस से देखने को मिले। फिर उसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन थे तो करंट अफेयर देखते हुए जाना भाई, करंट अफेयर के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे और करंट अफेयर देखते जाना। और करंट अफेयर के लिए ना जो भी कैंडिडेट बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब तो सारे एग्जाम में करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो भाई करंट अफेयर के लिए मेरा एक चैनल है इंडियन शेरनी करके, टेलीग्राम पर आप सर्च करोगे इंडियन शेरनी तो आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा इंडियन शेरनी का। और टेलीग्राम का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि आपका ना वहाँ पर डे का 10 से 15 क्वेश्चन आपको पर डे का वहाँ पे अपलोड किया जाता है और जितनी भी तमाम नोटिफिकेशन वगैरह अपडेट वगैरह रहता है ना एग्ज़ाम का तो मैं टेलीग्राम पर ज़रूर अपडेट करती हूँ, टेलीग्राम पर डालती हूँ। तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े और वहाँ पे सारे अपडेट और नोटिफिकेशन जो भी हैं सबके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम से जरूर सारे जुड़े, इंडियन शेरनी करके टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जरूर जुड़े आप लोग। तो भाई ये करंट अफेयर पे भी ध्यान देना है, मैथ के भी क्वेश्चन थे और इंग्लिश के भी क्वेश्चन थे और हिंदी के भी क्वेश्चन थे। तो लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस किसी चीज़ पर करनी है तो वो है जीके जीएस। और ये वीडियो मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं जिनका एग्ज़ाम आज हो चुका है तो भाई अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। जो भी अदर स्टेट से हैं तो भाई आप जरूर बताना कि बिहार में आके आपको कैसा मतलब इस बार का कैसा एक्सपीरियंस रहा, जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने के बाद बिहार में आने के बाद कैसा एक्सपीरियंस था आपका, आपने एग्ज़ाम हॉल में कैसा महसूस किया और ये बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं एग्ज़ाम देने के बाद तो भाई आप लोग ज़रूर बताना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और मतलब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कमेंट। और आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया और इस बार मतलब रिज़ल्ट आने की क्या संभावना है और कितने परसेंट चांस है रिज़ल्ट आने के, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना भाई। ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन आपने टच किए, कितने क्वेश्चन छोड़े और एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या हुआ, एक्सपीरियंस अपना ज़रूर शेयर करना। तो जिससे कि मतलब जो जिनका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, नेक्स्ट डेट को जिनका एग्ज़ाम है तो मतलब उससे उनको एक्सपीरियंस मिलेगा कि चल भाई हाँ थोड़ा सा गाइडलाइन मिलेगा उनको भी और थोड़ी सी उनको मतलब घबराहट सी फील हो रही हो तो उनको मतलब थोड़ा सा जो होता है ना उनको थोड़ा सा हैप्पीनेस मिलेगा कि चल हाँ भाई बस ये ऐसा ऐसा होता है तो उनको थोड़ा सा टेंशन कम रहेगा और वो लोग उन चीज़ों पर ध्यान देंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गाइज और जिनका नेक्स्ट में एग्ज़ाम है नेक्स्ट डेट को तो भाई अभी से प्रिपेयर होकर रहो क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 तारीख आज है बस, आपके पास 5 दिन और बचे हैं तो भाई अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और अभी भी 5-6 दिन है आपके पास में जिनका 7 अक्टूबर को एग्ज़ाम है तो भाई अच्छे से तैयारी करो। जीके जीएस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करो, मैं बार बार कहती हूँ जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करो
क्योंकि जीके जीएस से 70% क्वेश्चन आते हैं। और तो गाइस, और डिमोटिवेट नहीं होना है, खुद को मोटिवेट करके रखना है, डरना नहीं है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है और काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम देना है। जय हिंद, जय भारत।